ये आप देख सकते हैं हमारी फली रोस्ट हो चुकी है, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लाई हूँ बहुत जबरदस्त मीठी डिश जो कि हमारी सर्दियों की सौगात है, चिक्की, फली वाली चिक्की, जिसके लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ गुड़ लिया है जिसको हमने इस तरह से तोड़ा है और अब हम इसको करेंगे फ्राई पैन में मेल्ट। और इसके साथ हमने लिया है यहाँ पे फली जिसको हमने हाफ कर ली है यहाँ पे इस तरीके से, और इसको हम सेकेंगे। हमने यहाँ फ्राई पैन लिया है, उसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ऑन कर लेंगे, बिल्कुल लो पे रखेंगे। और इसमें हम डाल देंगे हमारे पीनट्स, ये हमने यहाँ फली ली है, इसको कर लेंगे रोस्ट। ये फली को हम यहाँ पे 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, और ये आप देख सकते हैं हमारी फली रोस्ट हो चुकी है। लो फ्लेम पे हमारा फ्राई पैन गर्म है और अब हम इसमें डाल देंगे अपना गुड़ और मेल्ट होने तक इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें चम्मच घुमाते रहेंगे जब तक अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। और ये याद रखिएगा कि फ्लेम जो है वो लो ही रहे, ज़्यादा फास्ट नहीं करनी है, वरना फिर हमारा गुड़ जल जाएगा और फिर सही से चिक्की नहीं बन सकेगी। सब चम्मच हिलाते रहेंगे, ये खुद ही पिघल जाएगा थोड़ी देर में। हमने यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच पानी लिया है, इसमें हल्का सा छिड़क देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। देख रही मेल्ट होना शुरू हो गया है, इसको स्लो पे ही मेल्ट करेंगे हम। गुड़ मेल्ट हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा अभी बाकी है और वो हम चम्मच हिलाते रहेंगे तो वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस गुड़ की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि ये चिक्की बनने के लिए रेडी हो गया है या नहीं। और इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो रहा। हमने चेक करने के लिए ये करना है कि हमने थोड़ा सा इसमें लेना है स्पून में, और ये हमने कोल्ड वाटर लिया है यहाँ पे, इसमें हम डालेंगे इसके 1-2 ड्रॉप और देखेंगे कि किस तरह से, अगर ये क्रिस्टलाइज हो गया है तो इसका मतलब हमारी चिक्की के लिए गुड़ रेडी है। हम चेक कर लेते हैं, नहीं है, अभी भी बहुत मेल्ट है और ये ऐसा है जैसे हम च्यूएबल है, इसको चबा सकते हैं, लेकिन ये हमें इस तरीके का नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल सख्त। तो अब हम इसको और 30 सेकेंड्स हम और इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे। इसमें डाल रहे हैं फली और इसके साथ मिक्स करेंगे, और अब हमें बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, इसको ठंडा नहीं होने देना है, गरम गरम ही हम इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको डाल रहे हैं जिसको हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा था, अब जो शेप हम देना चाहें वो हम दे सकते हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, बिल्कुल इसमें हमें छोड़ना नहीं है। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे और दोनों तरफ बटर पेपर हमने लगा दिया है। अब हमने इसे यहाँ से इस तरीके से नाइफ को रख के इस तरह से कट करना है, ऐसे कट कर लेंगे हम इसको स्क्वायर पीस में। जिस तरह आप शेप करना चाहें उस तरह कर सकते हैं, हमने इसको स्क्वायर में कट किया है और ये देख सकते हैं कितनी क्रंची है ये।